सजती है। मूंगे मोती मणि स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं में देखने में क्या प्रायोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनीश्वर महेश की मन्या वह प्रीतम भारिया है। दैत्येंद्र अब तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य स्थिर है। वह दानव कृपाण सत्वहीन क्रूर कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? यहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतत्र कर देने वाला युद्ध और कहाँ वह वानर का सामुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह रूप और कहाँ तेरी मदभंगता। तेरी सेना भी तो कहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर तू अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत होता है वह कर। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, मंत्रियों की यह बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुए कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी मंजा मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्यातप्त हो गए थे जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या देवी सती को भली भांति धीरज बनाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया था उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया। अतः है अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पशुपात व्रत के लिए अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति से बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक जिनका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था उसे मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ ले पुनः गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित उनके वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न जल और नींद का परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिनों तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों ने प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया जिसे वे गुहद्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गयी। उनके गिरने से गुहा का दरवाजा ही ढक गया जिसे उनका खोला जाना भी असंभव था।
फिर दैत्यों ने दो ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने शस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री ब्रह्मा नारायणी इंद्री वैश्वरी यम्या वरुणी वयवी कावेरी यक्षेश्वरी गरुड़ी आदि सभी देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष सिद्ध गृहाक आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो माँ पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों से भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। श्री व्यास जी ने कहा, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता भगवान शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उसने सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सैदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री का रूप धारण किया जिसका मुख विकराल था और रूप उग्र विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री शंभु के कान से निकलता था। उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया। तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि से प्रेरित किया। फिर तो वे क्षतार्थ होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिसमें राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि अपने कुलोचित सनातन क्षेत्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदृश जन्मों और चरणों से वज्राकार नखों से मुख और सिरों से संग्राम करता हुआ प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल घोंप कर उसे स्थाणु के समान ऊपर उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे की ओर लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विदीर्ण कर दिया। फिर तो उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के आगाध सागर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारंगभृत स्त्रोत्रों द्वारा विधि पूर्वक भगवान शंकर की अर्चना की। हर्षित हुए भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर भगवान शंकर उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुए गिरिजा कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। अध्याय 44 व 46 नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और भगवान शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। भगवान शिव के द्वारा उनका नाम शुक्र रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवास्तोत्र शतनाम स्त्रोत्र का वर्णन।
शिव द्वारा अंधक को वर